भारत से फरंगियों को खदेड़ने की शुरुआत 1857 की क्रांति से प्रारंभ हो चुकी थी, जब बैरकपुर में अंग्रेजों के ऊपर मंगल पांडे द्वारा की गई गोलीबारी से सारा देश जोश में आ गया। और इस दौर में दमोह जिले में भी मंगल पांडे के अंश दिखाई देने लगे। 1857 में चर्बी मिले कारतूसों के कारण मंगल पांडे द्वारा बरसाई गोलियों की गूंज चौतरफा सुनाई दे रही थी। अंग्रेजों के प्रति घृणा के भाव पैदा हो चुके थे और इस घृणित कार्यवाही का खुला विरोध दमोह स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी राजा किशोर सिंह जी ने किया। 10 जुलाई 1857 को ठाकुर किशोर सिंह ने अपने साथियों के साथ दमोह पर आक्रमण कर दमोह के थाने को नेस्तनाबूत कर दिया और तहसील मुशिफ ऑफिस का रिकॉर्ड नष्ट कर दिया। तत्कालीन कैप्टन पिंकी 31 इन्फेंट्री की 2 बटालियनों को और 2 गन्स के साथ सागर से दमोह आए और कैप्टन पिंकी ने ठाकुर किशोर सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने उस वक्त 1,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। क्रांतिकारियों की इन वारदातों का यह असर हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत को सागर की जगह अपना मुख्यालय दमोह बनाना पड़ा। ठाकुर किशोर सिंह लोधी क्षत्रिय समाज के महदेले फिरके से संबंधित एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे थे। उस वक्त सागर कमिश्नरी में हिंडोरिया एक जागीर के नाम से जानी जाती थी और अंग्रेजों ने अपनी राज्य हड़पो नीति के तहत 60-70 गांव हिंडोरिया से ले लिए थे। सिर्फ 13 गांव ही हिंडोरिया की जागीर में शेष रह पाए थे। जुलाई 1857 में कमिश्नर ने ठाकुर किशोर सिंह को एक पत्र लिखकर उनकी फौज का सारा खर्च और हड़पी हुई जागीर लौटाने का लालच दिया, पर ठाकुर किशोर सिंह इस लालच में नहीं आए और उन्होंने स्वतंत्रता क्रांति की मशाल को जलाए रखा। क्रांतिकारी इस वीर ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सच्चे मायनों में बुंदेलखंड अंचल में 1857 की गदर का सूत्रपात किया था। इतिहास में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि आजादी की ये महानायक कब और कैसे मृत्यु को वरण कर गए, पर उनका सामायिक इतिहास आज भी जीवंत प्रतीत होता है और आने वाली पीढ़ी को साहसिक कार्य करने को प्रेरित करता रहेगा। राजा किशोर सिंह जी को हमारा शत शत नमन।